स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1 का 17th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? ओके, हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स हैं। ये टोटल 20 बल्ब्स हैं, उसमें से चार बल्ब्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और बाकी के जो हैं वो फिर गुड वंस होंगे। ठीक है, मीन्स टोटल है हमारे पास 20 बल्ब्स और 4 उसमें से डिफेक्टिव हैं, तो गुड कितने हुए फिर? 20 - 4 दैट इज 16। फाइन, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्व। पहले हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 20, देन डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4 और गुड वंस कितने हैं? 16। तो हमें एक बल्ब जो है वो रेंडमली निकालना है स्लॉट में से और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मींस यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो डिफेक्टिव कितने थे? 4 और टोटल कितने हमारे पास? 20। ठीक है, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देते हैं। 4 ones are 4, 4 fives are 20। सो 1/5 इज द आंसर ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। फाइन, सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए बढ़ते हैं पहले उसको। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। मींस जो हमने फर्स्ट पार्ट में ये जो बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं है, मींस गुड है। मींस ये जो 16 बल्ब्स हैं इनमें से वो सिलेक्ट हुआ होगा बल्ब जो हमने ड्रॉ किया। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मींस उसको रिप्लेस नहीं किया, मींस उसको उस लॉट में वापस हमने नहीं रखा। मींस अगर हम शॉपकीपर के पास गए हैं, उसके पास हम बल्ब लेने गए हैं, तो उसने जो बल्ब हमें दे दिया वो तो उसने सेल कर दिया, उसने वापस नहीं रखा। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बाकी के जो बल्ब बचे उनमें से अब हमने एक बल्ब को ड्रॉ करना है, निकालना है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, उसके गुड आने के चांसेस क्या हैं? ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जैसे ये सारे बल्ब्स थे हमारे पास, ये 20 बल्ब थे टोटल। तो इसमें से हमें जो बल्ब हमने ड्रॉ किया वो नॉट डिफेक्टिव था, मीन्स गुड था। मीन्स मान लीजिए ये जो बल्ब है ये हमने ड्रॉ किया फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए, ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। मीन्स अब इसको हमने निकाल दिया, मीन्स ये कट हो गया यहाँ से। तो अब कितने बल्ब्स बचे शॉपकीपर के पास? वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, टोटल 20 थे, एक उसने निकाल दिया जो गुड वाला था और बाकी कितने बच गए उसके पास? 19। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स नाउ इज इक्वल टू 19। ठीक है, उसमें से अब जो डिफेक्टिव बल्ब्स थे वो कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स वो तो उतने ही हैं, 4 के 4 ही हैं, है ना। जो निकला है वो तो गुड वाला निकला है ना, तो यहाँ पे 4 डिफेक्टिव बल्ब्स अभी बाकी हैं, जो निकला है वो गुड वाला था। टोटल में भी फ़र्क पड़ गया, टोटल रह गए 19 और जो गुड बचे वो भी हमारे कम हो गए। एक बल्ब जो गुड वाला है वो कम हो गया, पहले कितने थे? 16 थे, अब रह जाएंगे 15। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, डिफेक्टिव बल्बों को निकाल कर, ठीक है, डिफेक्टिव वाले ये चार ही हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे गुड बल्ब्स इज इक्वल टू 15 नाउ। ठीक है, पहले 16 थे तो एक गुड बल्ब हमारा ड्रॉ हो गया, वो बिक गया शॉपकीपर का, तो फिर उसके पास गुड बल्ब्स कितने बचे? 15। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब नॉट डिफेक्टिव। गुड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी हुई है, तो गुड बल्ब हमारे पास आएगा नंबर ऑफ गुड नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो गुड होगा, गुड कंडीशन में होगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो अब हमारे पास गुड बल्ब्स कितने हैं? 15 हैं और टोटल भी हमारे पास 19 है, क्योंकि एक बल्ब जो ड्रॉ हुआ है उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मींस उसको वापस इस लॉट में नहीं शामिल किया गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब दैट इज नॉट डिफेक्टिव। फाइन,
सो हेयर वी आर ओवर विद दिस 17th क्वेश्चन. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.